सब्सक्राइब करें रेसिपीज बाय संध्या चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट रेसिपीज वीडियो पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रेसिपीज बाय संध्या डॉट कॉम में। आज हम बनाने जा रहे हैं आम का सूखा अचार। एक बार देख लेते हैं आम का सूखा अचार बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। आम लिया है मैंने 1 किलो। इसको 6-7 घंटे मैंने पानी में छोड़ दिया था। उसके बाद पानी से बाहर करके कॉटन के कपड़े से साफ़ करके इसको आधे घंटे के लिए ऐसी हवा में छोड़ दिया ताकि पानी अच्छे से सूख जाए। 3 चम्मच मैंने नमक लिया है, 1/2 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है। अब मसाले चेक कर लेते हैं आम का सूखा अचार। मसाले देख लेते हैं एक बार। सरसों पाउडर लिया है मैंने 4 चम्मच, 1 चम्मच मैंने राई पाउडर लिया है, 2 चम्मच मैंने सौंफ लिया है, 100 ग्राम सरसों ऑयल लिया है, 1/2 छोटा चम्मच हींग लिया है, 1/2 चम्मच हल्दी लिया है मैंने, 2 चम्मच मेथी है, 1 चम्मच अजवाइन लिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चम्मच नमक है और 1/2 चम्मच मिर्च पाउडर है। सारे मसालों की मेज़रमेंट मैंने इस वाले चम्मच से किया है। सबसे पहले हम आम के पीसेस बना लेंगे। आम की ये जो है इसको हटा देंगे। अब इसको साइड से निकाल पीसेस काटते जाएंगे। के चारों साइड से पीसेस निकाल लेंगे और गुठली को हटा देंगे। और इसके पीसेस बना लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा पीसेस नहीं बनाना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला, इस टाइप के। ऐसे करके सारे आम को कट कर लेंगे। ये सारे आम के पीसेस मैंने बना लिए हैं और गुठली को अलग कर लिए हैं मैंने। आम का अचार बनाने के लिए जब भी आम खरीदे, आम बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, कोई कट या निशान नहीं होना चाहिए, नहीं तो आम ज़्यादा दिन नहीं टिक पाता है। एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे, आम के पीसेस इसमें डाल लेंगे, नमक डाल लेंगे इसमें, हल्दी, और इसको अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक और हल्दी सारे पीसेस पे अच्छी तरह लग जाए। अब इसका ढक्कन लगा देंगे। 3 से 4 दिन तक इसको ऐसे ही रखेंगे और बीच बीच में इसको ढक्कन हटा के ऐसे ऊपर नीचे करके मिक्स करते रहना है। आम के कटे हुए पीसों में नमक और हल्दी लगाकर रखे हुए 3 दिन हो गए हैं। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छे से पानी छूट गया है। अब छन्नी लेंगे, कोई भी होल वाला बर्तन ले सकते हैं, इसमें सारे पीसों को रख देंगे ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। उसके बाद धूप में हमें करीब 4-5 घंटे सुखाना है इसे। ये वाला पानी आपको अगर पसंद हो तो आप रख सकते हो। जब इसमें आम के पीसों में मसाले मिक्स करेंगे तो उस समय इसको मिक्स कर सकते हैं, या नहीं तो आप इसे फेंक सकते हैं। मैं इसे हटा रही हूँ क्योंकि इसमें नमक पहले से डला हुआ है और अगर ये पानी इसमें मिक्स करूँगी तो अचार में नमक ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए पानी को मैं फेंक रही हूँ। अब इसको धूप में 3-4 घंटे सुखा लेंगे। इसको मैंने 5 से 6 घंटे सुखा लिया है। आप देख सकते हैं सूखने के बाद थोड़ा सा ये पीस सिकुड़ सा गया है।
अगर अच्छी धूप हो तो 5-6 घंटा काफ़ी है, अगर धूप हल्की हो तो इसे पूरे दिन आप सुखा सकते हैं। अब इसमें मिर्च मसाले जो भी हैं इसके वो मिक्स कर लेंगे। एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे, इसमें आम के पीसेस रखेंगे, राई पाउडर, सरसों पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, अजवाइन, सौंफ, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और ये मेथी है, जो मेथी हमने कच्चा लिया था इसको मैंने हल्का भून के दरदरा पीस लिया है, भी डाल लेंगे। ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था और जब हल्का गुनगुना था तो इसमें मैंने हींग डाल लिया। अब इसको इसमें मिक्स कर लेंगे। ये कम ऑयल में ही अचार बन जाता है, आम का सूखा अचार काफ़ी टेस्टी बनता है। आप इसे साफ़ सफाई से अच्छे तरीके से बनाएं तो पूरे साल इसको स्टोर कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अचार आप किसी भी चीज़ का बनाएं, साफ़ सुथरे हाथों से बनाएं तो काफ़ी टाइम तक ये रहेगा। और अचार जब भी खाने के लिए निकाले साफ़ और सूखे चम्मच से निकाले। और मर्तबान में रखने से पहले मर्तबान को गर्म पानी और साबुन से अच्छे से वॉश कर ले और कॉटन के कपड़े से अच्छे से साफ़ करके आधे घंटे के लिए खुले हवा में रख दे ताकि वो अच्छे से सूख जाए। ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको साफ़ और सूखे मर्तबान में डाल लेंगे और 5 से 6 दिन तक इसको अच्छी तरह धूप में रखेंगे। मैंने इसको मर्तबान में भर लिया है। इसको 5 से 6 दिन तक हमें धूप में दिखाना है। हम जब भी धूप में रखेंगे ऊपर से कॉटन का कपड़ा ऐसे लेंगे, इसको डोरी से बांध देंगे और ऐसे धूप दिखाएंगे ताकि धूल मिट्टी अंदर ना जा सके। और जब भी हमें स्टोर करना होगा धूप दिखाने के बाद, इसका ढक्कन ऐसे बंद करके ऊपर से ऐसे कॉटन के कपड़े से बांध देंगे और इसको ऐसे बांध के फिर स्टोर करेंगे। और बीच बीच में 1-2 महीने में एक बार धूप दिखाना ज़रूरी होता है अचार को, इससे अचार काफ़ी दिन तक या पूरे साल तक चल पाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।